नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड में इस बार मॉनसून का कहर जोरों पर है। वहीं पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के चलते जगह जगह पर सड़कें भूस्खलन से बाधित हो रही हैं। वहीं आज NH 58 पर देवप्रयाग के पास फिर एक बार मलबा आने से नेशनल हाईवे बंद हो गया है, जिसके चलते वाहनों की आवाजाही को रोकने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या है वहाँ के ताजा हालात, चलिए आपको दिखाते हैं। प्रयाग में भारी बारिश होने से लगातार पहाड़ी दरकने का सिलसिला जारी है, जिसके चलते पहाड़ों पर यात्रा करना खतरनाक साबित हो रहा है। वहीं लगातार हो रहे भूस्खलन से NH 58 पर आवाजाही बंद हो गई है, जिसके चलते लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मामले में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी महिपाल सिंह रावत ने बताया कि लगातार हो रही बारिश के चलते भूस्खलन NH 58 पर नेशनल हाईवे बंद हो गया है, जिसे खोलने के लिए JCB मशीन लगाई गई है। कुछ समय बाद मार्ग को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि लगातार हो रही बारिश के चलते बार बार मलबा आने से सड़क मार्ग खतरनाक बना हुआ है, जिसके चलते उन्होंने लोगों से बाया टिहरी से होकर यात्रा करने को कहा है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही लगातार सड़क पर मलबा हटाने का काम जारी है, लेकिन हर रोज हो रही बारिश से प्रशासन की टीम को मलबा हटाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल सड़क पर आवाजाही रोक कर काम जारी रखा गया है। बारिश हुई, वो काफ़ी ज़बरदस्त बारिश थी, उसके वजह से ये पूरा रोड जो हाईवे है इसमें काफ़ी जगह पे लगातार मलबा गिर रहा है और अभी भी मलबा ही आ रहा है इसमें। और ये यहाँ पे ये नीचे जो है काफ़ी बड़ा स्पेस में जो ये मलबा आया है काफ़ी ज़्यादा आया है, इसकी उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि इस जगह पे भी ये मलबा आया है और इस पर पूरी रोड नया रोड बना रहा है यहाँ पर और ये खुल जाएगा। लेकिन मेरा लोगों से निवेदन है कि इस रोड को ज़्यादा इस्तेमाल न करें आजकल बरसात के दिन में, और जब टीरी और बाया मलेथा निकलता है उस रूट को ज़्यादा यात्रा करें। हर खबर में होगी हमारी नज़र। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।